अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़मीर क्लासिक्स। आज मैं अपनी वीडियो में आपके साथ सर्दियों के लिए एक बहुत ही अच्छा होममेड इफ़ेक्टिव सीरम बनाना शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, सर्दियों में लोग ड्राई, डल और स्किन पर रिंकल्स पड़ने की शिकायत करते हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें पानी का इंटेक बहुत कम होता है। हम ऐसी गज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग बहुत महंगी महंगी बाज़ारी क्रीम्स और सीरम्स का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ दफ़ा उनके रिजल्ट्स भी इतने खातिर ख्वाह नहीं होते हैं। इसके लिए हम सीरम घर में तैयार करेंगे जो बासानी बनाया जा सकता है और इसकी कीमत भी बहुत कम होगी बाज़ारी सीरम्स के मुकाबले में। सीरम बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी उनमें ऑरेंज ऑयल, रोज़मेरी ऑयल, ग्लिसरीन और एवियन के विटामिन ई कैप्सूल्स हैं। फ्रेंड्स, मैं सीरम इतनी क्वांटिटी में बनाऊंगी कि ये 4 हफ्ते तकरीबन चल जाए, क्योंकि जब हम 2 से ज़्यादा ऑयल्स को मिला रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जब आपस में मिक्स होते हैं तो एक ख़ास किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है, और समटाइम अगर इनको इस्तेमाल किया जाए तो ये स्किन पे एलर्जी वगैरह करते हैं। तो इसलिए हम 4-5 हफ्ते के लिए बनाएंगे, फिर जब न्यू बनाना हो तो आप फ्रेश नया बना सकते हैं। मैं एक बाउल ले रही हूँ और 1 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास ऑरेंज ऑयल है। ऑरेंज ऑयल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एंटी एजिंग होता है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, डैमेज और डल स्किन को रिपेयर करता है। ऑरेंज ऑयल के हम 2 टेबलस्पून भर के जो है इस बाउल में डालेंगे। ऑरेंज ऑयल आपको बासानी किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा, या फिर आप इसको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से भी मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल से इसके प्राइस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। इसके बाद मैं ले रही हूँ रोज़मेरी ऑयल। ये भी जैसा मैंने आपको बताया कि ऑरेंज ऑयल और ये दोनों आपको इजीली पंसार की शॉप से मिल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको किसी ऑनलाइन वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके भी हम 2 टेबलस्पून ऑरेंज ऑयल में ऐड कर देंगे। यहाँ मेरे पास है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है ये हम भर के 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे। ये भी स्किन को मॉइस्चर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको इसमें ऐड कर देंगे। और मैं ले रही हूँ एवियन के विटामिन ई कैप्सूल, या इजीली आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। 400 mg के हैं। मैंने यहाँ पे 4 से 5 कैप्सूल्स लिए हैं और इनको कट करके इसको भी इसके अंदर शामिल कर लिया है जो सीरम मैं बना रही हूँ। सीरम तैयार है। इसको हम किसी भी साफ बॉटल में स्टोर कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस सीरम को आप दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली सुबह और रात सोने से पहले इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आपने इसको बॉडी वगैरह पे इस्तेमाल करना हो तो आप इसके चंद ड्रॉप्स किसी भी लोशन में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।